Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, सीबीआई के आज नए डायरेक्टर का चयन हुआ है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए डायरेक्टर हैं वो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी यानी कि जो डीजीपी रह चुके हैं प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो नियुक्त घोषित किया गया है और वो 25 मई को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले प्रवीण सूद का जन्म जो है 1964 में हुआ था और वो 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नाटक के डीजीपी भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार प्रवीण सूद जब सीबीआई के डायरेक्टर बन गए हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है और भी तमाम अलाउंस जो हैं वो क्या क्या मिलते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि हमेशा से ही चर्चा में रहता है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी है। ये एजेंसी देश भर में होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के डायरेक्टर की सैलरी कितनी होती है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर की सैलरी हाईकोर्ट के एक जज की तनख्वाह के बराबर होती है। सीबीआई डायरेक्टर की फिक्स बेसिक जो सैलरी होती है वो 80,000 रुपये प्रति महीने होती है। इसके अलावा बेसिक सैलरी पर कई तरह के अलाउंस भी मिलते हैं। डियरनेश अलाउंस बेसिक सैलरी का 120% होता है। स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस 15% मिलता है। इसके अलावा डीए भी जोड़ा जाता है, जिसके बाद सीबी डायरेक्टर की सैलरी लगभग 1.60 लाख रुपीज़ से लेकर 2.20 लाख रुपीज़ तक की हो जाती है। वो हाईकोर्ट के जज की सैलरी लगभग 2.25 लाख प्रति महीने करीब होती है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो अलाउंस जोड़कर उनकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपये महीने की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की भी इतनी सैलरी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी करीब 2.80 लाख रुपये प्रति महीने की होती है। सबसे बड़ी जांच एजेंसी की खासियत है, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक कमेटी करती है। कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा सिफारिश किया गया कोई जज शामिल होता है। साल 1977 से पहले तक सरकार अपनी मर्जी से सीबीआई डायरेक्टर को हटा सकती थी, लेकिन विनीत नारायण केस के बाद ऐसा संभव नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है ताकि कोई भी डायरेक्टर बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो नए सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद बने हैं, तो एक्साइटमेंट होता है लोगों का कि आखिरकार सैलरी कितनी होती है। तो ये पूरी जानकारी रही, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।